नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल, रायसेन जिले के ग्राम मिहर गंगा जीरी में वनवासी कल्याण परिषद और स्वयं सेवी बंधुओं द्वारा शिव मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, जिसमें समस्त वनवासी और आदिवासी परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया। वनवासी कल्याण परिषद के सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि ग्राम मिहर गंगा जीरी में भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी ने मंदिर निर्माण के योगदान के लिए दान किया और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आज का जो कार्यक्रम है वह वास्तव में सामाजिक समरसता की ओर बढ़ता हुआ कदम है। वनों में रहने वाले हमारे वनवासी बंधु, जिनको शासकीय भाषा में आदिवासी कहते हैं, उनके साथ मिलकर मंदिर निर्माण के कार्य के लिए भूमि पूजन किया, साथ ही भजन पूजन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि धर्म हमारे समाज का आधार है, धर्म से जुड़कर ही हम उत्थान की ओर बढ़ते हैं। वहीं बद्री केदार जन कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बिष्ट ने बताया कि वो पिछले 2 सालों से आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर मिहरमांगा झीरी में पानी, सड़क, स्कूल, बिजली की व्यवस्था कराई गई। वहीं अब यहां रहने वाले हर घर के सदस्यों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक उन्नति हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले झीरी गांव के वनवासियों का धर्मांतरण कर दिया गया था, जो पुनः वापस आए, जबकि वास्तव के वह सनातनी ही थे। उन्हें ईश्वर ने सद्बुद्धि दी और उन्होंने पुनः सनातन को अपनाया। कार्यक्रम में लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक त्रिपाठी, गेंदालाल जी पाल, मणिदीप, रामकिशोर शर्मा, मिरुंदा, अब्दुल्लागंज, अमोघ गुप्ता, वरिष्ठ वास्तु वेद विनय बोरकर, उद्योगपति एसएस राजपूत, किशन जी पाटीदार सलैया, शिशिर जम्भोरकर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आयोजन समिति कार्यकारिणी के अनिल श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, प्रभाकर श्रीवास्तव सचिव, एसएस राजपूत संयुक्त सचिव, विवेक अलकरी कोषाध्यक्ष, मुकेश सदस्य, केसर भाई सदस्य सहित बड़ी संख्या में वनवासी भाई बंधु उपस्थित रहे। नगरी क्षेत्र के संप्रधान जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको इस संकेत की दृष्टि से बैनर लगाए हैं कि भगवान राम प्रकृति, संस्कृति और वनवासियों का एक बड़ा संगम रहा है और विभिन्न स्वरूप है। भगवान श्री राम की शबरी के साथ आत्मीयता पीछे का चित्र है, केवट के द्वारा उनका नौका पार करना, तो इस तरह के प्रसंग इसलिए पतावश्ने विकृणावः लिखमूर्जगुंशतक्रतो ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक के पास दे दो पे लेके वो डाल दो, उसमें पड़ी है वो डाल दो। सन का अधिक ब्रह्माधिक, सन का अधिक ब्रह्माधिक, भूताधिक संगे हरि ओम हर 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 महादेव करके माध्य सम। वास्तव में आज का जो आयोजन है वो सामाजिक समरसता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। वनों में रहने वाले हमारे वनवासी बंधु, जिनको शासकीय भाषा में आदिवासी कहते हैं, किंतु आदिवासी तो हम सभी हैं। आदिवासी का तात्पर्य ये कि इस भूमि पे आदिकाल से रहने वाले हर व्यक्ति वो आदिवासी हैं, किंतु ठीक है जिस भाषा में समझा जा सके। तो ऐसे वनवासी बच्चों, अपने बंधुओं के साथ, परिजनों के साथ, समाज के हम सभी नगरवासियों की समरसता हो, वो अपने आप को इस समाज का अभिन्न अंग समझे, उनकी समस्याओं को हम समझें, उनकी समस्याओं को दूर करें, उनके शैक्षणिक, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक,
उनके सभी भारतीय के उत्थान के लिए कार्य करें और उसके प्रति हम सब जागरूक हों, उसमें उनकी सहभागिता बने, वो आगे बढ़ें, इसके लिए प्रयास करने के लिए ही वास्तव में आज का कार्यक्रम था। क्योंकि धर्म हमारे समाज का और आधार है, धर्म हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, धर्म से जुड़ करके ही हम लोग उत्थान की ओर बढ़ते हैं, एकता और संगठन की ओर बढ़ते हैं, संगठित शक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आज का आयोजन भूमि पूजन का आयोजन था, उसमें यहाँ पर जो जीर्ण मंदिर है महादेव जी का, शंकर जी का, उस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य करने की योजना गाँव वालों के, वनवासियों के, मेहरमांगा गाँव के निवासियों के आग्रह पर की जा रही है। तो इसी निमित्त आज वहाँ पर उसका भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन के उपरांत आज सभी ने मिलकर के सहभोज किया, भंडारा हुआ, जिसमें विशेष उल्लेखनीय खुशी की बात यह रही कि उस भंडारे में ग्रामीणों ने अपने योगदान से भंडारे के आयोजन की सारी व्यवस्थाएं की और उन्होंने स्वयं सारे कार्यों का निर्वाह किया। यही सामाजिक समरसता है और यही भगवान राम का निषाद के साथ गले मिलने का की प्रेरणा का केंद्र है और यही जो है भिलनी के बेर खाने का की प्रेरणा है और यही जो है वह हमारे जीवन की समरसता है। उसका मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ मेहरमांगा झेरी पंचायत में, जिला रायसेन में। हम लोग यहाँ 2 साल से प्रयासरत हैं। ये गांव आदिवासियों का है जिसमें ना पानी की व्यवस्था थी, ना स्कूल की व्यवस्था थी, ना रोड की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी। अब ये चारों चीज़ें बिजली, पानी, रोड, स्कूल की व्यवस्था करे हैं 2 साल में और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के बारे में अपन सोच रहे हैं कि गाय, इनके पास सभी के पास गाय हैं, बकरियां हैं, तो इनको अपग्रेड करेंगे हम, जिससे घर घर रोजगार मिल जाएगा। और ऐसे ही मशरूम की खेती है और इनके पानी आ गया तो नींबू है, सहजन है, वो संतरा है और ऐसे पेड़ पौधे 5-10 पेड़ पौधे हर किसी के घर में लगवाएंगे जिससे इनके आर्थिक उन्नति हो सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।